हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर। गर्भावस्था के दौरान आप चाहे कितना भी पढ़ें या दूसरी महिलाओं से कितना भी बात करें, मगर यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है कि आप अपने 9 महीने में जो महसूस कर रही हैं वह सामान्य है या नहीं है। यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बता रही हूँ जिन्हें लेकर आपको गर्भावस्था में विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या महसूस हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्या पता वो कोई गंभीर समस्या भी हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहली चीज़ है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान बेहोशी और चक्कर जैसा कभी भी महसूस हो तो उसको कभी भी नॉर्मल ना लें। बेहोशी जैसा या चक्कर आना इस बात का संकेत होता है कि आपको उस दिन के लिए पर्याप्त भोजन नहीं खाया है, मगर इसका कारण ब्लड प्रेशर की कमी का होना भी होता है। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई है तो ऐसे में आपको बेहोशी और चक्कर जैसा हो जाता है। बहुत सी महिलाएं गर्भावस्था में चक्कर महसूस करती हैं, मगर यदि आप बेहोश होती हैं तो अपनी डॉक्टर से मिलकर सब ठीक है या नहीं इस चीज़ की जांच जरूर करवाएं। पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, पेट के एक या दोनों तरफ या फिर निचले हिस्से में तेज़ दर्द होने पर डॉक्टर को दिखाकर यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कहीं कोई गंभीर बात तो नहीं है। हो सकता है आपके लिगामेंट में खिंचाव आ गया हो, जो गर्भावस्था में अक्सर हो जाता है, या फिर मैं आपको कुछ और चीज़ें बताने जा रही हूँ। अगर इनमें से कोई भी समस्या हो जाती है, ऐसे में भी पेट के निचले हिस्से में दर्द हो जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर आपको हो गई है तो ऐसे में भी आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो जाता है। मिसकैरेज का खतरा होना, समय से पूर्व प्रसव, बेबी का इस दुनिया में समय से पहले ही आ जाना, प्लेसेंटा का अपनी जगह से हट जाना, शिशु के जन्म से पहले ही अगर गर्भाशय की दीवार से प्लेसेंटा टूटकर अलग हो जाती है तो ऐसे में भी आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है और यह आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। पेट के मध्य और ऊपरी हिस्से में दर्द होना, मिचली या उल्टी के साथ या इसके बिना भी पेट के बीच में या ऊपर वाले हिस्से में तेज दर्द होना कई बातों की तरफ इशारा करता है। हो सकता है कि आपको इनमें से कोई भी समस्या हो, जैसे कि एसिडिटी की समस्या होना प्रेगनेंसी में बहुत ही नॉर्मल होता है, लेकिन ये समस्या कभी कभी बहुत ही गंभीर भी बन जाती है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। पेट में संक्रमण होना, उल्टी और दस्त जैसी समस्या होने पर भी आपको पेट के बीच में या ऊपर वाले हिस्से में दर्द हो जाता है, तो इन्फेक्शन जैसे किसी भी खतरे से बचने के लिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दूषित या फिर गलत भोजन करने के कारण भी पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आपको खून के धब्बे दिखाई देते हैं तो इसको भी आपको बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लेना है। गर्भावस्था की शुरुआत में खून के धब्बे या बिना दर्द के हल्का सा भी रक्तस्राव होना आम बात है। ये आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाती है और उससे शिशु को नुकसान पहुंचने की भी आशंका बहुत कम होती है। फिर भी गर्भावस्था के किसी भी चरण में रक्तस्राव होने पर अपने डॉक्टर से संपर्क करें और यह एक गंभीर समस्या भी हो सकती है, क्योंकि ब्लीडिंग होना प्रेगनेंसी में अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करती है। बहुत बार ये नॉर्मल होती है और बहुत बार ये कोई भी गंभीर समस्या भी पैदा कर सकती है, तो किसी भी ब्लीडिंग के समय आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क कर लेना चाहिए। लगातार उल्टी होना, अगर आप दिन में 2 या 3 बार से अधिक उल्टी कर रही हैं तो आप कमजोरी महसूस कर सकती हैं। हालांकि इससे शिशु को नुकसान पहुंचने की आशंका बहुत ही कम होती है, फिर भी यदि बहुत ज़्यादा उल्टी और लगातार उल्टी हो रही है तो डॉक्टर से बात जरूर करें। खासकर यदि आप कुछ खाना पीना अंदर नहीं रख पा रही हैं, हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़े, क्योंकि बहुत अधिक उल्टी होने के कारण आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे कि गर्भ में पल रहे बच्चे को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं और बच्चे का अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। तो लगातार उल्टी होने की समस्या पर भी आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। फीवर होना, अगर आपके शरीर का तापमान 99.5 डिग्री से अधिक है लेकिन सर्दी और फ्लू के कोई भी लक्षण नहीं है तो अपने डॉक्टर को उसी दिन दिखाएं। 102.2 डिग्री से अधिक बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। हो सकता है आपको कोई इन्फेक्शन हो गया हो, तो ऐसे में आपकी डॉक्टर आपको बिल्कुल सही सलाह देगी और सही दवाइयाँ भी देगी।
ऐसे में आपको कोई भी अपनी तरफ से दवाई का सेवन नहीं करना है। प्रेगनेंसी में होने वाले किसी भी बुखार में आपको कोई भी दवाई नहीं लेनी है। हाथों और पैरों में सूजन होना, गर्भावस्था के अंतिम चरण में हाथों, चेहरे और आंखों पर सूजन या फुलाव सामान्य है और इसमें अक्सर कोई चिंता की बात नहीं होती है। मगर यदि आपको सूजन काफ़ी ज़्यादा और अचानक हुई है और साथ में सिरदर्द या देखने में भी तकलीफ़ है तो आपको गंभीर समस्या हो सकती है। ऐसे में आपको अपनी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। सिर में तेज़ दर्द होना और वो ठीक नहीं हो रहा है। अगर तेज सिरदर्द 2 या 3 घंटों से अधिक रहे और साथ में पूरे शरीर पर सूजन और देखने में भी आपको दिक्कत हो तो आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। अगर आपको टॉयलेट करते समय जलन और दर्द महसूस हो, जी हाँ, अगर आपको पेशाब करते समय बहुत ही जलन महसूस हो रही है, दर्द महसूस हो रहा है तो आपको UTI हो सकता है। ये आपके यूरिन इन्फेक्शन होता है जो प्रेगनेंसी में बहुत आम होता है। बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है, फिर चाहे आपने अभी पेशाब क्यों ना किया हो। अगर आपको अचानक से बहुत तेज प्यास लग रही है और आपका टॉयलेट भी गहरे पीले रंग का है तो यह आपको डिहाइड्रेशन की निशानी हो सकती है। गर्भावस्था में आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों को लेना होता है। अगर आपको प्यास ज़्यादा लगे और हमेशा की तुलना में अधिक बार आपको टॉयलेट जाना पड़ रहा हो तो यह गर्भवती होने पर जो डायबिटीज़ हो जाती है, जिसको हम गर्भवती मधुमेह भी कहते हैं, उसका भी संकेत हो सकता है। ऐसे में भी आपको तुरंत डॉक्टर के दिखाना चाहिए। पूरे शरीर में खुजली होना, अगर आपके पूरे शरीर में तेज खुजली हो रही है, ज़्यादातर ये रात में होती है, तो आपको OC हो सकता है। OC यकृत की एक स्थिति होती है जिसमें टॉयलेट का रंग अधिक गहरा व आपको फ्रेश होते समय हल्के रंग का हो सकता है। तो ऐसी खुजली होने पर भी आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए, ये भी चिंता की बात हो सकती है। ऐसी किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ऐसे में आपकी डॉक्टर आपको सही सलाह देगी और आपके बच्चे के स्वास्थ्य पर भी पूरी निगरानी रखेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरा बस यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर।